और अधिक जानकारी अभी हम देखेंगे इंटरक्टिव रिसोर्सेज और उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके लिए हम छोटा सा स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड कैसे डेवलप करेंगे ये सब अभी हम देखेंगे मैंने अभी चैट में जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं आज मैंने पूरा पेस्ट कर लिया है वो जो यूट्यूब वीडियोस हैं और एक स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड का सैम्पल भी है वही हम यूज़ करते हैं और आज का प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैंने दे दिया है वो भी बना हुआ है जो हम टूल अभी डिस्कस करने वाले हैं वो टूल के बारे में बिफोर वी रियली गेट ऑन टू द सेशन जैसे कि ये इंटरक्टिव रिसोर्सिस जैसे यूज कर सकते हैं कौन सा टूल है क्या है उसके बारे में जानने से पहले हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ये टूल के बारे में कितना जानकारी ऑलरेडी है जैसे कि हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो बोलते हैं ना ऐसा कुछ करना चाहती हूँ मैं तो मैंने अभी स्क्रीन आप लोगों से शेयर किया हुआ है यहाँ पे एक क्यूआर कोड है नहीं तो आप स्लाइडो डॉट कॉम में जाके ये नंबर डाल सकते हैं सेवन फाइव डबल नाइन सिक्स थ्री वन तब एक क्वेश्चन के लिए आप आंसर कर सकते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है एच वाई पी के बारे में आपने सुना है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ये टूल के बारे में क्वेश्चन है आप आंसर कर सकते हो आप आ, ये क्यू आर कोड से स्कैन करके मोबाइल से हाँ और अगर नॉट प्रैक्टिसिंग हो अगर कुछ हेल्प चाहिए नहीं तो और आपने सुना है और प्रैक्टिस करने के लिए और थोड़ा हेल्प भी चाहिए ऐसा जानकारी लेते हैं उससे हम ये प्रेजेंटेशन को अच्छे से टेलर मेक कर सकते हैं ओके ओके सो लेट मी सी द रिजल्ट्स या इंटरेस्टिंग बहुत कम लोग आई थिंक वी हैव अराउंड मोर देन टू हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट फिफ्टी participant should answer but of course i have taken this anonymous poll so some people can do in a different browsers they can answer maybe twice or thrice which i don't want just answer once okay the majority is never heard of the tool so i have to do it from the scratch but we have somebody i heard and practicing तो द नंबर इज ओनली फिफ्टीन परसेंट ऑफ देम और मे बी आई कैन सेवेंटीन नाउ सो उन लोगों के लिए मुझे और एक क्वेश्चन पोस्ट करना ही है तो व्हाट कंटेंट टाइप्स यू एक्सप्लोर्ड ये क्वेश्चन जिन लोगों के लिए है जिसने बोला हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो कंटेंट टाइप कौन सा आपने प्रैक्टिस किया है यू नो वाइल लर्निंग अबाउट एनी टूल दिस इज रियली अट्रॉशियस दिस आंसर हु इट इज बिकॉज एनोनिमसली वी आर टेकिंग इट डजेंट मीन दैट वी कैन नॉट सी हु इज आंसरिंग वी कैन ऑलवेज ट्रैक दम विदीए एड्रेस एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एनहैंसड लर्निंग We can always track what our users are doing. Okay. And this is really atrocious to see that answer, the very first answer, whoever it is. We are responsible citizens. Moreover, we are responsible teachers. Mind that. Okay. Uh, I can see the jargon about this tool, especially because. जो भी हम टूल यूज़ करते हैं जो इंटरैक्टिव रिसोर्सेस हो या वीडियो के बारे में हो या ऑडियो के बारे में कोई और मल्टीमीडिया का टूल जब हम यूज़ करते हैं उसका जॉर्गन यानी कि उसका वर्डिंग्स जो होता है वो सीखना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है जो वर्ड उसके हम यहाँ जो कंटेंट टाइप बोल रहे हैं यानी कि ये हेचफाई टूल यूज़ करते समय उनका जो एक्टिविटीज हैं उसको ईच एक्टिविटी को एक कंटेंट टाइप बोलते हैं उसका जॉर्गन से तो अगर उसकी तरफ से देखा तो इंटर वीडियो इज अ करेक्ट ऑप्शन आई हैव सीन दैट ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने देखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा है वेरी गुड गुड आई थिंक फिफ्टीन टू सेवनटीन परसेंट पीपल सेट दे आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग सो according to that I, I think i got enough answers so i'm closing it let me uh, save uh, this and share my presentation now at least for a uh, few slides because we missed in the morning which i want to discuss and then continue okay huh. Take care. तो ए एच वाई पी के बारे में पहले जानकारी लेंगे क्योंकि फिफ्टी परसेंट पीपल से ऑफ देम सेड दे नेवर हर्ड अबाउट इट ये इंटरव कंटेंट के बारे में रिसोर्सेस के बारे में और उसका पेडोगोजिकल कनेक्शन के बारे में सुबह हमने सुना है अभी हम इसके बारे में और कुछ जानकारी लेंगे अगर क्रिएटिव इंटरक्टिव कंटेंट बनाना है तो कौन सा टूल को इस्तेमाल करना चाहिए कैसे टूल यूज हो सकता है आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग एनी न्यू लर्निंग कर्व इज अ चैलेंजिंग लेकिन एडवांटेज ये है कि आजकल के टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे टूल्स जैसे आ गए हैं व्हाट यू सी इज वॉट यू गेट लाइक यू डोंट नीड टू रियली कोड बैक एंड का कोई कोडिंग नहीं करना है कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड खाली जो आपके इंटरफेस में होता है ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिकिंग से आप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट यूज करते हैं उतनी आसानी के तरीके से बहुत सारे टूल्स को हम यूज कर सकते हैं ये एक्टिविटीज बनाने के लिए तो ये एक्टिविटीज जो इंटरक्टिव एक्टिविटीज जो बनाते हैं उसके लिए हमको टूल्स इधर फ्री एंड ओपन सोर्स ले सकते हैं या कोई प्रीमियम टूल्स ले सकते हैं यानी कि प्रोप्राइटरी पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एडोबिका कैप्टिवेट जो है वो एक लर्निंग ऑथरिंग टूल है जिसको हमको परचेज करना पड़ता है एक ई लर्निंग पैकेज बनाने के लिए इंटरक्टिव लर्निंग का पैकेज बनाने के लिए जैसे प्रीमियम के बारे में सुना है तो प्रीमियम क्या होता है जैसे कि कुछ ऑप्शन uh, फ्री में मिलते हैं और थोड़ा पे करने से हमको प्रीमियम ऑप्शन मिल जाते हैं उसका एग्जाम्पल है अडेप्टिव दैट्स ऑल्सो वंडरफुल टूल टू क्रिएट इंटरक्टिव कॉन्टेंट वेरियस अलग अलग तरीके के टूल्स जो है ऑथरिंग टूल्स जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये फॉस्ट जो है फॉस यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि वो व्हाट इज ओपन सोर्स अगर यहाँ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का कोई टीचर्स नहीं हो तो मुझे लेट मी एक्सप्लेन इन अ सिंपल कॉमन मैं टर्म्स इन अ लेमैन टर्म्स ओपन सोर्स इज उसका सोर्स कोड जो होता है आपको पता है जो भी टूल हम यूज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम हम यूज करते हैं कंप्यूटर में उसके पीछे तो एक कुछ ना कुछ कोड रहता है यानी जो मशीन लैंग्वेज है जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो जो कोड जो होता है वो प्रोग्राम के पीछे वो पूरा ओपनली अवेलेबल है पब्लिक को अगर हमको नॉलेज है तो अगर हमको रिसोर्सेस है तो उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं खाली लुक एंड फील का ही नहीं फंक्शनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं अगर हमको वो उसका नॉलेज है तो नहीं तो ऐसा रिसोर्सेस है तो उसको हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं लेकिन जो भी फ्री एंड ओपन सोर्स है उसको रन करने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का वर्ड uh, एप्लीकेशंस का है ओपन ऑफिस है अगर डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो आप कोई एक्सेल यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का खरीदने की जरूरत ही नहीं है आप डायरेक्टली ओपन सोर्स का जो ओपन ऑफिस जे जो है अगर अभी वीडियो शॉट आपने देखा है ओपन शॉट जैसा इसका आप रन करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए दैट इज द एनवायरमेंट राइट दैट इज द कंप्यूटर ऐसे ही कुछ ऑथरिंग टूल्स को रन करने के लिए इधर आपका मशीन चाहिए नहीं तो सर्वर स्पेस चाहिए अगर वो सर्वर स्पेस जो होता है किसी ने आपके लिए होस्ट करके रखा है तो आप वहां जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं कुछ लोग फ्री में देते हैं और कुछ पे करके ले सकते हैं नहीं तो आ, कुछ ऑप्शंस होते हैं प्रीमियम के ऑप्शंस वो सब अभी हम एक्सप्लोर भी कर लेंगे वाई ओनली एच पी बहुत सारे चीजें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन हम आज एच पी के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं क्यों हमने चुना है एच पी इसीलिए कि वो नॉट ओनली फ्री एंड ओपन सोर्स है इट इज प्रूवन अक्रॉस द वर्ल्ड

हमको ब्राउजर चाहिए जो भी हम बनाते हैं एच में उसका आउटपुट जो होता है हम ब्राउजर में देख कर सकते हैं देख के हमको इंटरक्ट करने की मौका देता है ब्राउजर में तो ये इंटरक्टिव कंटेंट ऑथरिंग टूल है एच ये फ्री एंड ओपन सोर्स है इसको देखने के लिए आउटपुट को देखने के लिए हमको एक ब्राउजर की ज़रूरत होती है नहीं तो एच प्लगइन जो फ्री में मिलता है वेबसाइट के लिए वो वेबसाइट एक होना चाहिए नहीं तो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मूडल जैसा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होता है ये एच कंटेंट्स पी कॉन्टेंट्स के बारे में हम देखे हैं तो मोर कॉन्टेंट आर अवेलेबल वेरियस टाइप्स है उसमें सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप से लेके ब्रांचिंग सिनारियो तक 360 डिग्री व्यू तक बहुत सारे वेराइटी ऑफ कॉन्टेंट आप डेवलप कर सकते हैं एच के साथ नॉट ओनली दैट इसकी खासियत ये भी है मल्टीलिंग सपोर्ट करता है और इक्वेस uh, uh, अगर आपको टाइप करना हो तो लेटेक में टाइप करके यहाँ ले के आ सकते हैं ईजीली uh, आप क्रिएट uh, करके डिस्ट्रीब्यूट और प्रेजेंट कर सकते हैं और प्रेजेंट करते समय बीच में आप एक टास्क भी दे सकते हो जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये एक HYP का कंटेंट टाइप है ये है कोर्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन जैसे कि हमारा कोई जो होता है ना प्रेजेंट करते समय हम कुछ टास्क भी अंदर दे सकते हैं ये जो सिक्सटी वेराइटीज ऑफ कंटेंट्स है तो हम आ, हमको एक आइडिया आया था लॉन्ग बैक कि इसको ऐसा सेग्रीगेट करेंगे जैसे कि प्रेजेंटेशन Uh, उसमें से ये सिक्सटी वेराइटीज ऑफ कॉन्टेंट टाइप्स में खाली प्रेजेंटेशन कुछ टाइप uh, के कॉन्टेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं जैसे एडुटेनमेंट काइंड ऑफ मेमोरी गेम फाइंड द हॉटस्पॉट यानी कि फ्लैश कार्ड ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं कुछ ऐसा टास्क होता है कि खाली टास्क ही होता है उसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है और कुछ uh, कंटेंट uh, टाइप्स जो रहते हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स रहते हैं जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये कोर्स प्रेजेंटेशन इसके अंदर कुछ टास्क भी दे सकते हैं वो वाला दिया हुआ है यहाँ पे ऑरेंज में और ऑडियो बेस्ड है ये पिंक में हा? और अभी बीटा वर्जन जो चल रहा है यहाँ पर है ओके okay. तो हम इसको हमने एक इमेज बनाया और इमेज को हमने लाइव दिया है जैसे कि आप यहाँ क्लिक करते हो तो इसका ट्यूटोरियल आएगा यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका ट्यूटोरियल आएगा जैसे हमने बनाया इमेज हॉटस्पॉट एच फाइव पी के जरिए और हमें अभी हम बोल रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स वेराइटीज ऑफ कॉन्टेंट टाइप्स भी होते हैं जैसे एग्जाम्पल है ये प्रेजेंटेशन है और इसके अंदर हमने दिया है एक एक्टिविटी एक टास्क भी दिया हुआ है ऐसे टास्क हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं अलग से इंडिविजुअली और जैसे कॉम्प्लेक्स भी हम बना सकते हैं जैसे अब हम अभी हम आज सुबह हम फीडबैक के बारे में भी हमने बात किया हुआ है राइट So let me see how uh, the feedback comes for this activity. See the uh, the feedback given here is that all the elements were known in ancient times and therefore carry or their Latin names, except certain ones because they are from German or a few of them are from other languages. So whenever you give any kind of a feedback, this is another example like uh, flashcards, jesa.

क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि द सम ऑफ टेन एंट्री एज नंबर्स राइट दे जस्ट हैव टू क्रिएट एंटर द नंबर्स एंड देन वॉट एवर द फाइनल नंबर हियर कम्स इज योर सीक्रेट कोड टू एक्सेस सर्टेन थिंग इन द क्लास जैसे कि बच्चों को हम एंगेज करना की तरीके स्काई इज द लिमिट ये सो ये जो टूल्स जो होते हैं बहुत सारे टूल्स होते हैं आप सीख लेते हैं लेकिन उसका जो यूज करने का जो तरीका होता है वो क्रिएटिविटी टीचर के क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है जब हम ये क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं क्रिएटिविटी इस्तेमाल करें पेडागोजिकली भी हमको सोचना चाहिए कि ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मीट हो रहा है कि नहीं और सब्जेक्ट का कुछ डिमांड है ऐसे वाले एक्टिविटी बनाने के लिए उसका कोई जरूरत है क्या और हमारा जो एंड यूजर है वो एंजॉय कर सकता है और कितना नॉलेज उसने ग्रैब कर सकता है कौन से लेवल पे ग्लूमस्टेमी को लिया तो आपने कौन से लेवल का नॉलेज हम दे रहे हैं उसका एप्लीकेशन हो या खाली रि हो या खुली जस्ट uh, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो लेवल वन का ये सब भी दिखना बहुत जरूरी है और एच का और खासियत ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी देख रहे हो वो ओपन लाइसेंस के साथ हो तो आप रियूज बटन में क्लिक करके डाउनलोड करके आप कोई भी एच एडिटर में ओपन कर सकते हैं एक एग्जाम्पल है एक इंटरक्टिव वीडियो का फॉर एग्जाम्पल आप अभी वीडियो बनाने का तरीका सीख रहे हैं और वीडियो के बीच में क्वेश्चंस कैसे डाल सकते हैं इंटरक्टिव वीडियो बना के आप इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं लेकिन अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वेरी सिंपल कंटेंट टाइप फॉर यू टू गेट अ हैंग ऑफ द टूल एच लेकिन कोई एप्लीकेशन हो या कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म हो कहाँ हम ये डेवलप कर सकते हैं बहुत सारे टीचर्स हमने देखा है एच डॉट यूज करते हैं लेकिन remember hyp.org जो होता है वो खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए है यू शुड नॉट यूज इट फॉर टू होस्ट अ रियल कंटेंट जहां पे जब उन लोगों ने स्टार्ट किया है यस दैट इज ट्रू दैट दे हैव गिवन ऑल टेन ट्वेंटी वैरायटीज ऑफ कंटेंट टाइप्स टू टेस्ट एंड टू होस्ट आई मीन दैट इज जस्ट टू टेस्ट द कंटेंट हाउ इट बिहेव्स एंड टू बी पार्ट ऑफ द टीम यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू एच पी डॉटर क्वेश्चन ने पूछ लिया होगा और उसका शोकेट कि डेवलप किया है उसको आप देख सकते हैं ये सब भी आप खाली वो नेटवर्किंग के लिए साइट है और कोई नया कॉन्टेंट टाइप अगर वो लोग लॉन्च किए तो वहां पर आप टेस्ट कर सकते हो लेकिन रियल कॉन्टेंट के लिए नहीं है जैसे हमने पहले भी बात कर चुके हैं अगर एच फ्री एंड ओपन सोर्स हो उसका होस्टिंग के लिए कुछ प्ले सर्वर स्पेस तो चाहिए नहीं तो आपका मशीन चाहिए तो इधर यू कैन यूज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन कॉल्ड लूमी और यू कैन यूज अ वेबसाइट दट सपोर्ट फाइ पी प्लग इन कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक और यू कैन परचेज अ प्लान फ्रॉम देयर एच पी डॉट कॉम साइट Or we have a freemium option from Lumi, that is a Lumi cloud platform. That is what we will be using today to create a simple activity, drag the words along with scripting and a storyboarding, right? If anybody is having a learning management system, then they also can create these kind of interactive activities inside their learning management system if they have Canvas or a Blackboard or a Moodle or a... ब्राइट स्पेस और आ, इंडिया में टीचर्स के लिए ओ को रिपर्पजस करके अगर इंटरक्टिव कंटेंट बनाना है तो एच फाई पी कैटलॉग इज वन ब्यूटिफुल सोल्यूशन वेर यू कैन अप्लाई एज अ स्कूल टू देम and then they will allow you as a group to register and to create content and to share with the world but the only restriction there is you have to repurpose the already available open educational resources online there is abundance of a content already available we just have to see how to tailor make that to suit our learners needs let me see the chat once if anybody have any doubt Yes, HYP is usable on mobile. Yes, sir. Yes, LibreOffice code is available. FOSS. Yes, fantastic. Somebody said we cannot see your screen, but uh, I think I can see that I'm sharing my screen. It is clearly visible. I'm sorry to say that, sir. But I just shared a video with you a demo how to log into Lumi Cloud application. I will do a demo here, and that video is already with you people. You please create a account there, and then from there, we will be building a script or what you call it. Uh, first, let me do a demo, then, I will show you the script and storyboard for that. Okay, let me just uh, share my screen for all Lumi. Yeah, I am in my Lumi.education site. And here there is an option called login or a sign up. For the first time, if you are coming, let me share this link in the chat. Okay, first I will demo it for you. Yes, sir. Dr. Vannina Sharma, is it free of cost for school use? Yes, uh, it is free of cost for any use. And then, if you want to uh, create uh, your own instance, you can talk to HYP Catalog people. They can help you out. Okay. Interactive videos, memory games, audio. Yes, these are all you can create inside that. But then, when it comes to learner analytics, that is where this Lumi Cloud people charge for you. Because see, it is already a free and open source ones. If your institution have a learning management system, then you don't have to pay anything directly inside that. You can use your interactive content. Okay, Lumi and HTML5, is it same or different? H5P is a tool. H5P is a tool. Let me write it here in the chat. H5P is a authoring tool where we create interactive activities. ये इंटरक्टिव एक्टिविटीज बनाना है जैसे तरीके मैंने बोल दिया है बहुत सारे वेज है और उसमें एक तरीका है यूजिंग एप्लीकेशन लूमी एज एन एप्लीकेशन वेर यू कैन क्रिएट एच फाइपी इंटरक्टिव कॉन्टेंट ओके सो और लूमी क्लाउड क्या होता है लूमी क्लाउड इज एन ऑप्शन लूमी Is a desktop application where you can download and utilize on your system, or there is a Lumi cloud option where this application is hosted in the cloud. So you don't need to work uh, on your uh, system directly online. You can create your content and share with the public directly from there with a simple link. What happens? if in, you create an application inside your laptop it is not in the cloud right it is not in the internet how can you distribute it you have to send the file to them you have to send the html file distributing if it is in the cloud with just one link we can share with people hope i am clear on this anybody have any doubts on this the difference between Lumi and a H5P. H5P is a tool. Lumi is an application. Lumi Cloud is a cloud application where it is the entire application is sitting in the internet. We will be utilizing it by logging in and creating content and distributing it. Okay. Yes, mobile may be chala sakte hain. ओके okay. ऑफलाइन क्या यूज हो सकता है जैसे कि ऑफलाइन में ऑफलाइन में हम हिंदी में बात कर रहे हैं सर यस आई आई एम टॉकिंग इन हिंदी ओनली ओके दे आर नॉट कैटिक सर एच वाई पी एन टूल ऑथरिंग टूल लूमी इज एन एप्लीकेशन लूमी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है लूमी क्लाउड ऑप्शन है अभी हम यूज करना जा रहे हैं ये आ, सेशन में लूमी क्लाउड है जिसके लिए हम जाएंगे लूमी डॉट एजुकेशन में ओके अगर ऑफलाइन में अगर आपको यूज करना है डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करके फिर आप एडिट भी कर सकते हैं नो no, लूमी एप्लीकेशन यूजर के पास होने की जरूरत नहीं है आउटपुट जो होता है एच डी एम एल फाइव का आउटपुट हम शेयर करेंगे होप आई एम क्लियर ऑन दिस राइट इंडिया में ये जो होता है अगर स्कूल्स में कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो तो ये सबका क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं होता है अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें एम्बेड करके डायरेक्टली देन एंड देर वी कैन यूटिलाइज but then as a teacher it's our job to explore what are all the other options we should not directly always dependent upon our circumstances we have to search for the ways that how we can engage our students in a pedagogically strong way to distribute our knowledge one of the ways is to create interactive contents with various authoring tools one of the proven all over the world Thousands of school across the world, not thousands lakhs of people are already utilizing this H5P since its inception. Okay. Let me go to lumi.education. That is, I'm demoing here. Okay, go there and then click on sign up. And then you will have an option to sign up with your Gmail. And then click on a Gmail option that is login with your Google.

देन फिर एप डॉट लूमी एजुकेशन में लॉग इन हो जाइए यहाँ पर आप आएंगे आपका डैशबोर्ड जो है ऐसा दिखाई देगा ये जो है प्रीमियम टूल हम यूज कर रहे हैं एक्सिलेंट स्मृति जी हां जी हिंदी में जरूर बोलेंगे हम दिस इज uh, हाँ मानिक जी

कि डायरेक्टली वहां लॉग इन करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं वैसा एक एच का रिपोजिटरी जरूर आएगा एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीक्षा प्लेटफॉर्म सपोर्ट एच राइट सो आप लॉग इन कर दीजिए दिस इज नॉट अ ट्रायल वर्शन ट्रायल वर्शन इज प्लीज रीड देर अच्छे से वहां पे कॉन्टेंट दिया हुआ है आप रीड कीजिए वहां पर पढ़िए वहां पर लिखा हुआ है ट्रायल पीरियड इसीलिए लिखा हुआ है आप देखिए सब्सक्रिप्शन है इट्स अ पैशनेट प्रोजेक्ट ओके अ टीम बिहाइंड इज देयर दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सक्रिप्शन मॉडल वहां पे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल जो होते हैं वहां पर अगर आप सब्सक्राइब किया तो देन यू इट विल बी अ ट्रायल वर्जन ओके सो रीड रीड अच्छे से कंटेंट आपने रीड कीजिए यहाँ पर स्क्रीन देखिए मैं जो शेयर कर रही हूँ आप यहाँ आ जाइए देन यू विल सी अ फोर डिफरेंट मेन्यू ऑप्शन आई हैव गिवेन अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इन द वीडियो हां जी स्लोली जाएंगे मधुबाला सिंह जी हाँ दिव्या शर्मा जी आई डोंट नो

वहां पे हम साइन अप करेंगे अभी टाइम क्या हो गया फोर ट्वेंटी सिक्स टू मोर मिनट्स लेफ्ट नो 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 आई आई एक्सप्लेन सर परमिंदर कौर जी आई विल एक्सप्लेन वॉट टू डू नेक्स्ट प्लीज स्टॉप हियर विद दिस स्क्रीन ऑल ऑफ यू नहीं थर्टी डेज आपने पढ़िए पढ़िए आपने वहां पर जो हिया है आप पढ़िए नो इट इज नॉट फॉर थर्टी डेज आप पढ़िए उसका प्लान है वो अलग है सब्सक्रिप्शन मॉडल है आपको अगर एनलिटिक्स को देखना है तो ओके ठीक है लूमी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप फॉर यूज पे कर सकते हो ओके डन वेरी गुड ओके आपने विजय जी वेरीफाई कर दिया फिर आप लूमी डॉट एजुकेशन को ब्राउजर में यस मीनू जी हम क्रिएट अभी करेंगे नो इश्यू सर मोबाइल में कर सकते हैं बट यू नो एक थंब रोल जो है एक थंब रोल जो है कोई भी लर्निंग कॉन्टेंट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट जैसे आप क्रिएट करना चाहते हो देन इट्स ऑलवेज बेटर यूज योर लैपटॉप ठीक है Yeah, because it is directly logged in. You might have already logged in before with your Gmail ID. Yeah, Anand Kumarji, you have already used before. That's why it's not asking you to approve. Logged in, excellent. We are at four twenty-eight. So let me start the next uh, option here. We are here. There are four options. Okay, if there are any. Fast learners, please follow my tutorial that I have already shared. You can create, drag the words there. But for that, we have to create a script, storyboard. Then we will create, okay. Huh. So now we will click on create new content. That is the next step. And then I will land here on the page where... हाँ जी हिंदी में बोलेंगे जैसे क्रिएट न्यू कंटेंट में आप क्लिक कीजिए यहाँ पे आते हैं एडिटर में कॉन्टेंट एडिटर में आप आप आते हैं जो जो है जो आप अगर में यूज कर रहे हो नहीं तो लूमी क्लाउड में यूज कर रहे हो एच पी को नहीं तो कोई ओपन टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हो नहीं तो डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो एप्लीकेशन में जो भी हो उसका इंटरफेस जो होता है सेम होता है कोई भी फर्क नहीं होता है यहाँ पे जो है सिक्सटी वेराइटीज ऑफ कंटेंट टाइप्स आपको दिखाई देता है आ, और न्यूएस्ट फर्स्ट यानी कि अभी अभी जो लॉन्च हुआ है वो आप पहले आ जाएगा पॉपुलर फर्स्ट है तो पॉपुलर फर्स्ट आएगा लेकिन पॉपुलर फर्स्ट ये वाला जब तब बहुत अच्छे से काम करता है जैसे आप स्टार्ट यूज करते समय आप ज्यादा जो यूज करते हो वो सामने आ जाएगा आपको अभी हम यूज करना चाहते हैं अभी हम लिखेंगे ए अभी हम क्लिक करेंगे ए टू जेड यानी कि पूरा अल्फाबेटिकली अरेंज होता है हमको चाहिए डी में जाना है ड्रैग द वर्ड्स यूज करेंगे हम लेट मी शो यू व्हाट वी विल बी क्रिएटिंग टुडे इज दिस वन दिस इज द ऑप्शन दैट वी विल बी क्रिएटिंग टूडे ओके So this is the kind of activity that we will be creating today. So for that, there are uh, in your drag and drop there are two options. Don't get confused. Please take drag the words. The activity name is drag the words. Rosy ha, huh? yes. What do you want to ask? और अमनदीप जी क्या यहाँ पर भारतीय भाषाओं में कंटेंट बनाया जा सकता है क्या यस सर एब्सोल्युटली यू कैन टू सुना रोसी जी आपने रजिस्ट्रेशन का में रजिस्ट्रेशन पे स्टक गए थे अटक गए थे पता नहीं क्यों आप जीमेल में रजिस्टर कीजिए जाइए आपका इनबॉक्स चेक कीजिए ईमेल वेरिफाई कीजिए फिर यहाँ आइए लॉग इन हो जाइए आप वो क्रिएट वो चार बटन आएंगे उसमें क्रिएट कॉन्टेंट में क्लिक कीजिए यहाँ पर ड्रैग द वर्ड्स क्लिक कीजिए ठीक है और रश्मि जी लेट मी आंसर हाँ मी आंसर रश्मि जी ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्ट हो गया है तो गलती से ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं सो मी सी दैट अभी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप को सेलेक्ट किया है सो ड्रैग द वर्ड्स को यहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं वो सर्च बार में फिर आप क्लिक uh, कीजिए और ड्रैग द वर्ड्स सेलेक्ट कीजिए और इससे पहले मुझे फिर से आपको मैं बोलना चाहती हूँ जो भी कंटेंट टाइप आप यहाँ बनाना चाहते हैं जो भी है फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ऑन डिटेल्स आप यहाँ पे अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हैं और डेमो का बटन भी दिया हुआ है और कुछ स्क्रीन भी दिए हुए हैं इधर ठीक है और यहाँ पर क्लिक कीजिए यूज और हम आएंगे ये एडिटर में ये पूरा अच्छे से मैंने वीडियो आपको भेजा भी है आप अभी पहले कंसंट्रेट कीजिए जो हम बोल रहे हैं इधर फिर वो वीडियो देखते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ जो आए हैं हम ड्रैग द वर्ड्स के ऊपर आप देखें तो एडिट और व्यू का ऑप्शन है ये व्यू के बारे में क्या है हम बोलेंगे अगर हम सेव करेंगे तो ये व्यू ओपन होगा हमको जैसा कंटेंट दिखेगा वो हम देख सकते हैं लेकिन एक बार सेव करना है तभी ये एनेबल होगा अभी जो हम कंटेंट टाइप यूज कर रहे हैं ड्रैग द वर्ड्स ये जार्गन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उसका जो वर्डिंग्स है यानी कि एच में ये डिफरेंट इंटरक्शन को वो लोग बोलते हैं कॉन्टेंट टाइप्स ठीक है तो ड्रैग द वर्ड्स इज द कॉन्टेंट टाइप ब्यूटी ऑफ दिस टूल इज यहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है चलिए नीचे आएंगे यहाँ पे टाइटल द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज टाइटल आपका एक्टिविटी का पूरा टाइटल क्या है आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट और टाइटल नेक्स्ट टू इट देर इज अ मेटा डेटा लिखा हुआ है ये क्या होता है ये मेटा डेटा में हम यूज करेंगे ये ऑथर कौन है यानी कि ये पूरा कंटेंट का ऑथर कौन है और ये इसका लाइसेंस क्या होता है ओपन लाइसेंस uh, अगर ओपन एजुकेशनल लाइसेंसेस के बारे में आपको जानकारी है तो यह और अच्छा समझ में आ जाएगा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस का अगर कोई आप लेके रीमिक्स रीयूज कर रहे हो तो उसका इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में देने की जरूरत है टाइटल है पार्ट्स ऑफ द प्लांट लेकिन मैंने सोचा है पार्ट्स ऑफ द प्लांट का ड्रैग दो वर्ड्स करेंगे क्लास में एक एक्टिविटी फॉर्मेटिव रिमेम्बर एच असेसमेंट ठीक है और पार्ट्स ऑफ द प्लांट का करना है लेकिन उसका मैंने सोचा पहले स्क्रिप्ट लिखूं और एक स्टोरी बोर्ड लिखूं लेकिन स्टोरी बोर्ड तक तब जाएंगे हम जब हमको पता है कौन सा टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे समझिए आपको एच में आपने प्रैक्टिस कर दिया आपको सबका ये क्या क्या बटन्स होता है क्या क्या टैब्स होता है कौन सा ऑप्शन जरूरी है मस्ट है जहां आप देख सकते हो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है टाइटल के नेक्स्ट में जरिए आपको एस्ट्रिक्स रेड कलर दिया हुआ है यानी कि दैट इज मस्ट फॉर यू टू डू इट राइट सो ये सब पता करने के बाद अगर स्टोरी बोर्ड अगर आप टूल के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तब अच्छे से आप स्टोरी बोर्ड और डिटेल्ड लिख सकते हैं लेट मी शेयर विथ यू स्टोरी बोर्ड मैंने लिंक पे आपको शेयर किया है पहले स्क्रिप्ट है ड्रैग द वर्ड्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट का स्क्रिप्ट है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा और इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकता है और फीडबैक में क्या देना चाहती हूं अगर मुझे जब राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट लिखते समय मुझे हाँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी ले सकते हो आप आपका जो सब्जेक्ट है आप वो ले लीजिए अगर आप लैंग्वेज है लैंग्वेज के बारे में ले लीजिए ठीक है तो करेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ड्रैग कीजिए वो भी हो सकता है मैंने जब लिख रही थी मैंने वो टूल ड्रैग द वर्ड्स मैंने सोचा नहीं इसीलिए फीडबैक में मैंने ऑप्शंस दिया हुआ है करेक्ट वर्ड का करेक्ट आंसर का क्या फीडबैक देना है इनकरेक्ट का क्या फीडबैक देना है और नहीं तो कैसा फीडबैक हो सकता है और कौन सा सेंटेंसेस है और ड्रैग ड्रैगेबल वर्ड्स क्या हो सकता है उसका ब्लैंक्स क्या है मैंने लिखा है तब आई थी तब मैंने सोचा ठीक है मुझे एच पी पता है एच का ड्रैग द वर्ड्स पता है उसका एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे मैंने सोचा तो मैंने बना लिया एक टेबल स्क्रीन में क्या दिखना चाहिए यूजर का एक्शन क्या होना है फीडबैक का क्या देना है मैंने लिखा है स्क्रीन एलिमेंट में ड्रैग द वर्ड्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज अ टाइटल और मेटा डेटा में मुझे क्या क्या देना है ऑथर कौन है मेरा नाम है मैंने सोचा ओपन स्टैक्स का एक टेक्स्ट बुक का हिंदी भाषा का लेना चाहे तो भाषा हिंदी कैसे लाए जी हिंदी में आप टाइप कर सकते हो टाइपिंग का कोई आ, ऐसा अलग ही करके एक सॉफ्टवेयर है आप यूज कर सकते हो नहीं तो गूगल इनपुट टूल्स यूज कर सकते हो दिस इज अ वेरी बेसिक डाउट आई डोंट नो व्हाई आई होप रश्मि जी आई आंसर योर क्वेश्चन राइट अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो जैसे गूगल इनपुट टूल करके आप हिंदी में कर सकते हो ठीक है तो मैं अभी स्टोरी बोर्ड का एक्सप्लेन कर रही हूं दिस इज माई वे ऑफ बिल्डिंग अ स्टोरी बोर्ड दिस इज अ टेम्पलेट दैट आई हैव प्रोवाइडेड इफ यू 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 कैन कैन एंड यूज दिस और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन क्रिएट ओके मेटा ये नहीं है मेटा डेटा है ठीक है हम बोलेंगे फिर से बोलेंगे मेटा डेटा में क्या दे सकते हैं हम ऑथर के बारे में उर्दू भी हो सकता है सर जो भी लैंग्वेज है आप टाइप कर सकते हो और ऑथर uh, और सोर्स और लाइसेंस ये सब देना पड़ता है तो मैंने तैयार कर लिया कि मुझे हाँ जी ऑलरेडी आई शेयर द टेम्पलेट जो है मैंने शेयर कर लिया है ये जो टेम्पलेट है मैंने शेयर कर लिया है वो लिंक जो है मैं फिर से दे रही हूँ इधर वो टेम्पलेट का लिंक इट्स ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है ठीक है और मुझे एसेट्स यूज इसके लिए मुझे कोई मीडिया टाइप इमेज वीडियो ऑडियो उसका मैं कुछ यूज नहीं कर रही हूँ अगर आपको यूज करना है तो वो, वो कौन सा इमेज है कहाँ से आपने लाया उसका क्या कॉपीराइट uh, राइट है वो सब भी आपको ये स्टोरी बोर्ड में लिखना पड़ता है और टास्क डिस्क्रिप्शन यानी कि यूजर को क्या करना चाहिए ट्रैक द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस दैट इज माय डिस्क्रिप्शन और मुझे टेक्स्ट टेक्स्ट में क्या देना है ये जो ड्रैगेबल वर्ड्स और ड्रैगिंग वो सेंटेंसेस उसमें जो फिल करना है वो देना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको हम एस्ट्रिक्स में देना चाहिए तो मैंने वो पूरा ऐसा बना के रखा है और यहाँ पे यूजर क्या देखता है स्क्रीन में मैंने बोला स्टोरी बोर्ड है एक प्री विजुअलाइजेशन ऑफ लर्नर्स एक्सपीरियंस सो ड्रैग वर्ड्स इनटू ब्लैंक स्पेसेस राइट सो अगर ये फीडबैक पहले नहीं आएगा अनलेस देर इज अंस्टेंट फीडबैक इज सेलेक्टेड यू विल अंडरस्टैंड दिस वेन आई डेमो द कॉन्टेंट टाइप जस्ट अब्जर्व द स्टोरी बोर्ड नाउ ठीक है और ओवरऑल फीडबैक के बारे में भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया मैंने यहाँ पे लिख लिया और बिहेवियरल सेटिंग्स होता है हर एक कंटेंट टाइप को एच फाइव पी का सो so, उसका मैंने क्या एनेबल करना है क्या डिजेबल करना है मुझे पता है मैंने सोच लिया है जो यूजर्स को अच्छे से एंगेज कर सकता है और नॉलेज अच्छे से री हो सकता है मैंने डिसाइड कर लिया तो मैंने लिख लिया इसके लिए इसीलिए मैंने बोला पहले आपको टूल से जुड़ना पड़ता है टूल में क्या क्या ऑप्शंस है आपको देखना पड़ता है और उसको क्रिएटिवली आप पेडोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी लर्नर एंगेजमेंट इफेक्टिव एक्टिविटी जो बनाना है आपको तब पता चलेगा अगर आपको टूल को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए अभी जाएंगे फिर से हम वो लूमिका एडिटर में ड्रैक द वर्ड का एडिटर में है हम टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है समबड़ी सेट दे वर्डिंग्स मेटा डेटा यह आंसर मत दीजिए कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ फॉर एवरी वन इट इज नीडेड अ बेसिक दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस दिस इज अ वेरी बेसिक मिनिमल नॉलेज दट वी शुड एक्वायर एज अ टीचर अगर हम स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं तो हमको लर्निंग करता है ना जैसे फर्स्ट टू डेज थोड़ा बहुत दिक्कत होता है सिमिलरली फॉर एनी काइंड ऑफ अ टूल चलिए टाइटल देर इज अटा डेटा ऑप्शन वेन यू क्लिक ऑन दैट यू विल सी दैट लाइसेंस ऑप्शन वॉट लाइसेंस दैट यू वॉन्ट टू प्रोवाइड इफ यू नो यू कैन प्रोवाइड And if you are remixing anything, then you can provide the source and who is the author. For example, I am remixing some content from uh, this site. So I want to utilize. So I will give the source and author name is my name. I will provide this is author. I'll click on save author. Agar you have two authors, you have content type. So you can use Nam टाइप करके फिर सेव ऑथर कर सकते हैं कुछ अगर ऑथर हो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और एडिटर uh, मिलके काम कर रहे हो तो उसका रोल भी सेलेक्ट करके उसको आप ऐड कर सकते हो ठीक है एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव मेटा डेटा हो गया ये पूरा कॉन्टेंट के लिए मेटा डेटा है ठीक है और मीडिया हम यहां कोई भी मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन सोर्स अगेन विजय मेहता जी मैं बोल रही हूँ अगर कोई भी आप सोर्स लेके फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन दैट यू वॉन्ट टू यूटिलाइज एंड इट इज अवेलेबल ऑलरेडी ऑनलाइन देन दैट यू आर एल यू कैन टेक एंड यू कैन गिव इट एज अ सोर्स रेस्पेक्ट कॉपी राइट ओके दैट इज हाउ इट इज एंड देन यू कम डाउन अंडर टास्क डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिखना है हाउ द यूजर शुड सॉल्व द टास्क यूजर को बोलना चाहिए कि आप ऐसा कीजिए अगर हमको यहाँ पे तेलुगू में टाइप करना है फॉर एग्जाम्पल आई एम चेंजिंग इट टू माई तेलुगू की बोर्ड एंड देन आई विल से तेलुगू आ रहा है जैसे कि हिंदी भी आ सकता है ठीक है उर्दू भी जो भी है आपका कीबोर्ड चेंज करके यहाँ पे टाइप करना चाहिए और नीचे आइए टेक्स्ट करके एक है यहां पर उसने अच्छे से सैंपल भी दिया हुआ है ये ड्रैगेबल वर्ड्स कैसे देते हैं यहाँ पे शो इंस्ट्रक्शंस करके है अगर आप क्लिक करेंगे तो अच्छा सा हेल्प आपको दिखाई देगा फोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये ड्रॉपेबल वर्ड्स जो सेंटेंस पे होता है वो वर्ड्स को आपको एस्ट्रिक्स के बीच में रखना चाहिए जैसे कि मेरे स्टोरी बोर्ड में जो एक uh, मैंने लिया है पार्ट्स ऑफ द प्लांट मैंने यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में अच्छे से लिखे रखे हैं सेम पैटर्न में मैं वो कॉपी करके जी एच वाई पी के यूज करके ट्वेंटी सिक्सटी क्रिएट सर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया मेरा टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो जो ड्रॉपेबल वर्ड्स है वो एस्ट्रिक्स के बीच में रखना चाहिए तो यूजर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं ये डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्टर्स क्या होता है डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑप्शंस विच आर रॉन्ग ओके okay? मैंने शूट दिया है और एक है सिक्सटी वैरायटीज ऑफ कॉन्टेंट या आप पेस्ट भी कर सकते हो शूट मैंने दिया है और एक वार्क ओके okay? और नीचे आइए ओवरऑल फीडबैक है मेरा फोर ऑप्शंस है

कंटेंट टाइप का डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बिहेवियरल सेटिंग्स होता है क्योंकि एक एक कंटेंट अलग अलग से बिहेव करता है यहाँ पे जो है हमको खाली रिट्राई ऑप्शन है शो सॉल्यूशन है इंस्टेंट फीडबैक है एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एनेबलिंग दिस इंस्टेंट फीडबैक ओनली मैंने ये दोनों को एनेबल किया है अभी मैं जाके इसको सेव कर लेता हूं यहाँ पे टॉप में जो आप राइट साइड देख सकते हो सेव ऑप्शन आई एम क्लिकिंग ऑन सेव इट इज सेव्ड यहाँ पे आपको आएगा कंटेंट हैज सेव्ड आप देखिए यहाँ पे व्यू का टैब एनेबल हो गया है मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे व्यू आपका कंटेंट जो है यहाँ आ गया चलिए जो भी रॉन्ग है राइट right है पहले हम करेंगे इसको ठीक है और चेक ये देखिए रीड द चैप्टर एंड ट्राई भी करेक्ट नहीं है मेरा ऑप्शन इसलिए वो फीडबैक आ गया और यहां पे शो सॉल्यूशन एनेबल है और रीड ट्राई भी एनेबल है जैसे कि अभी जाके देखेंगे उसको हम बिहेवियरल सेटिंग्स में जाके उसको हम डिजेबल करके देखेंगे कि क्या होता है ठीक है वो जो सेटिंग्स हमने एनेबल किया है उसको डिजेबल करके देखेंगे मेरा कंटेंट जो है वो चला गया तो आई जस्ट रीओपन कंटेंट हियर आई एम सॉरी या कंटेंट है ये लूमी का खासियत ये है कंटेंट पूरा डिफरेंट फोल्डर्स में हम अरेंज कर सकते हैं लेट मी शो यू माय कंटेंट में दिस इज माय कंटेंट आई थिंक दिस इज द ओल्डर वर्शन जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है वो हम या yeah. अरे मेरा माउस का कुछ या यस दिस इज द वन दैट वी जस्ट क्रिएटेड तो आई वांट टू एडिट दिस एंड डिसेबल द कंटेंट दैट ऑप्शन इन बिहेवियरल सेटिंग्स देखेंगे क्या होता है शो सोल्यूशन डिसेबल हो गया खाली रीट्राइव एनेबल कर दिया तो अभी देखेंगे कैसा बिहेव करेगा ये ओके okay. एंड खाली रिट्राई का ऑप्शन है वो सोल्यूशन देख नहीं सकते हैं ठीक है अभी हम एनेबल करेंगे इंस्टेंट फीडबैक देखिए इंस्टेंट फीडबैक मैंने एनेबल किया है फिर हम व्यू करेंगे इंस्टेंट फीडबैक यानी इमीडिएटली लर्नर विल कम टू नो दैट माय ऑप्शन इज रॉन्ग देन ही कैन क्रॉस दिस ही कैन कंफर्म इट

लूमी का उपयोग किस विशेष कारण के लिए क्या जा सकता किया जा सकता है और और क्योंकि गूगल इन्याद में भी इस तरह के टूल उपलब्ध है हाँ जी देर आर यस टूल्स दिज आर लाइक दैट इत्यादि में भी है यानी कि आप बोलते हो क्विजलेट यूज कर सकते हैं क्लासमेट यूज कर सकते हैं क्लास पॉइंट यूज कर सकते हैं वेरियस टूल्स भी है लेकिन लेकिन एच फाइव पी का जो है वो ओपन सोर्स एंड फ्री में है और आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एंड इट इज अ वर्सेटाइल ऑप्शन अवेलेबल है इट इज नॉट अ फ्रीमियम वन इट इज अ फ्री वन रिमेंबर एंड ऑल्सो इट द लर्निंग कर्व फॉर दिस इज लो ओके ठीक है मैंने फिल इन द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने भेजा है क्रिएट हाउ टू क्रिएट ब्लैंक्स देर ओकेट मी शो यू वो ड्रैगेबल वर्ड्स जो आया है हमने जो किया है लेट मी जिस गो डाउन आई नो वाई दिस टक्स मे बी माई इंटरनेट कनेक्टिविटी So once you create your content, you can organize your content in folders also. Let me also show you how you deploy it and then we'll talk a bit. ठीक है और 20 minutes है हमारे लिए तो 5 minutes और बात करेंगे फिर discussion चालू कर लेंगे तो ये आपने पूछा है ये ब्लैंक्स कैसे आए हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है ड्रैगेबल वर्ड्स जो होता है वो एस्ट्रिक्स के बीच में होना चाहिए ठीक है एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी लाइक दिस सो दिस पार्ट विल बी योर ब्लैंक राइट सो वंस यू क्रिएट यू सेव इट अगेन दे आर टू ऑप्शन योर एक्सपोर्ट एंड डाउनलोड यू कैन डाउनलोड इट एज अच फाइपी फाइल सो दैट it is your application file you can re edit reopen and edit it in your desktop application or in your lms or agar h5p supporting ka website ho to wahan pe aap use kar sakte ho theek hai agar aapko HTML file offline में भेजना है तो आप download करके HTML file download करके वो आप भेज सकते हो लेकिन cloud में distribute करना चाहते हो आप तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो डिप्लॉयमेंट में जाइए यहाँ पे ऊपर जो है दो टैब्स हैं डिप्लॉयमेंट्स है सो आई विल क्लिक ऑन डिप्लॉय कंटेंट अभी जो हमने डिप्लॉय करना चाहते हैं दिस इज गिव प्लीज गिव द नेम प्लांट सैंपल है और यहाँ पे आपने देख रहे हो कलेक्ट डेटा रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट यूसेज ऑफ दिस एक्सरसाइज यानी कि ब्लाइंड एनालिटिक्स आएंगे हमको नेक्स्ट है रिक्वायर नेम यानी कि कौन यूज कर रहे हैं कौन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम चाहिए आपको एक्सप्लिसिटली इट डजेंट मीन दैट इट इज नॉट रिकॉर्डिंग इफ इट इज नॉट एनेबल्ड इट विल रिकॉर्ड एक्सप्लिसिटली देखने के लिए वो बोल रहा है कि वो प्लान में जाइए लूमी प्रो में जाइए दिस इज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रायल पीरियड वी आर नॉट यूजिंग दैट एनी वे सो नीचे जाइए एडवांस्ड सेटिंग टू इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट यू हैव टू ऑलवेज एनेबल दैट इज डाउनलोड रीयूज बटन और एक है लाइसेंस बटन एंड देन क्लिक कीजिए सेव एंड देन यू विल सी अंक टू शेयर लेट मी शेयर दैट लिंक विथ यू copy this link this is the link this is how you will see the content and this is how you see reuse option when you click on that you can download and then rights of use remember once you download you can only open it in h5p editor when you click on rights of for use then you will see all the information about this content type who is the author and who are all what are all the images used or video is used what is the information about it okay so now let me give you this and let us see the analytics for this okay yeah ai used to frame storyboard yes sir if you want you can yes madam you can use it why not i i mean i don't know about your institution and uh, I, Ethics that to follow. But as far as it is concerned for me, yes, we can always utilize artificial intelligence to reduce our workload, but it doesn't mean that whatever the answer it gives is perfect. Sometimes it can be a scrap, right? So we have to always a human intervention is required. Okay. Sorry. एंड नाउ लेट मी सी द इनसाइट्स अगर कोई यूज कर रहे हो अगर आपने कोई यूज किया हो ओके टोटल व्यूज क्या हो सकता है किसने एवरेज स्कोर क्या बनाया उसके बारे में इट इज वर्किंग सर लेट मी ओपन दैट इन या इट इज इन्फॉर्म यस इट इज सेइंग दैट So Shumna wants to receive results of this exercise. That because we enabled, we enabled what? To collect the blind insights, right? So, so these are the total views. Right? Above 75% kisko, like basic analytics, you get it. But you want who used it, when they utilized it, they are asking you to purchase. Otherwise, if you have a learning management system or a content management system for your school, you can view it freely. And it is the ocean again to see the insights and to see the analytics. Right? For example, I just want to show you the presentation that I shared with you that here when you click on this rights of use whatever the image i used i gave all the attributions for that it is a very good practice and h5p supports h5p supports this uh, kind of uh, reuse and repurpose that the five hours of openness right somebody asked there are other tools how it differs that is the major uh, uh, difference Okay, somebody already posted a wonderful uh, content. okay. But uh, where is the reuse option sir? Uh, please follow clearly you while you are deploying the content, let me show you once again when you are deploying the content, you have to enable, okay download reuse option should be there and copyright information should display right okay let me see the other one ashok kumar bhadji yeah there is no again there is no again there is no reuse option let me once again tell you when you deploy the content You can always go to settings and inside advanced settings, you have show download and reuse button and show license button. That is very important. Whatever content you create, it's our duty to provide a license to it, right? Whether it is inspired from something, okay? Whether it is uh, from. Uh,

so anything else i have shared all the resources with you and any other doubts let us be responsible teachers and that shows Sabra, you are all are making our next generation kids and i'm always uh, um, fortunate to speak to teachers across the world but uh,

Somebody shared this activity and only one drag drop is there, and there is no retry option also. Maybe with the instant feedback, and it is not working. Yeah, and with the instant feedback enabled, okay, only one option they have given TK and. Uh, ओके okay, यूट्यूब वीडियो में अगर आपको इंटरक्टिव वीडियो बनाना है तो आपको चाहिए एक कॉपीराइट फ्रेंडली वीडियो वो लेके इंटरक्टिव वीडियो कंटेंट टाइप में जाइए वो वीडियो का मेटा डेटा यानी कि सोर्स और कॉपीराइट इंफॉर्मेशन दीजिए और वीडियो के अंदर आप ये ड्रैग द वर्ड्स यूज कर सकते हैं script will be written by teacher or will be prepared by software wow you want all the options in one click then you have a open ai options these days you can always do that but as a teacher it's our job how you want to engage your learners but yes there is there are options but then it's again our creativity, how we utilize machine intelligence to create such kind of storyboards and scripts. and also there are tools these days to create storyboards. The, a tool is called a storyboard that, that you can utilize. but then i suggest, uh, in the morning i shared a picture of a storyboard that is uh, like uh, in way back in 90s, early 90s or late 90s, you can maybe in the mid-90s we used to create content in flash. Okay, these days uh, for H5P contents across the world, there are various types of storyboards available depending upon the kind of teaching learning environment they are in. Okay. So any other doubts in uh, regarding H5P? And if you want to create an interactive video, the uh, tutorials are already available inside the editor. Apart from that, my tutorials were also there. You can always check okay ai images ko, it's a very interesting question i love to answer always this ai images ko license apply hota hai kya? absolutely yes and there are ways and guidelines to follow across the world but then in india there is uh, i don't know about school education but there are some guidelines coming up how to utilize uh, attribute uh, ai generated image what are the guidelines to follow if even if there are no guidelines for your institution there is ethical practice that how we uh, attribute any copy of right friendly image in a similar way we have to attribute for example you use a dali to create any image it will give you how to cite that image the option okay ai images license apply hota hai? yes Okay, distractors option. Okay, distractors options are extra options that you will be providing to the user just to make them confuse. But always remember that uh, whenever you provide any kind of a distractors, you know it should be a constructive one. Uh, let me share this. Not this. yeah distractors yes yeah so here how many our distractors you want wrong distractors you can provide in between asterisks and the beauty of this tool is nobody have to explain anything it's a self explanatory tool and i feel you are all fortunate that there are people and tutorials and youtube that they are available to teach you how to do it when we all start at least i learned it in that way it is self-explored and h5p is a wonderful tool for every option there is a description what is it and how to use it. and there is a tutorial and example for every content type you can utilize interactive video and you create a, in between a video you can add this drag the words also okay okay so that's uh, about uh, the uh, basics of uh, interactive activities, along with a storyboard. How to create a script and a storyboard for the drag the words, but for various content types are available from interactive video, say, lake, multiple choice to single choice to various others. That's up to you how you create, and then how you play around. And for uh, practice is everything. Unless we practice, we cannot do. How about the quiz, Rupenderji? You can uh, create. A, uh, there is a question set or a quiz option. You can take that. Let me explain. Uh, maybe I'll take two minutes to explain that. Whatever the content type that you take, let me go to yeah. For example, you want to create, um, what was that question? Yes, sir. Uh, once you do it, you will understand. A quiz. You asked about the quiz. So one, one, only quiz, only questions. Not, you're not presenting anything, just questions that you want to provide then what you can do is you can click on uh, add content create new content and then you can select a question set we used to call it earlier now it is called a quiz you can click on details and then various types of questions you can add that is the beauty of this question set there is a tutorial and an example and here you have options like multiple choice drag and drop fill in the blanks mark the words drag the words true or false essay may not be useful for you if unless you have a, a hosting solution or a learning management system and a image choice option so you can create such kind of again the uh, if you learn a single activity at one time these kind of a complex activities banana asan ho jata hai. for example if you take a drag the words here again a similar kind of a editor here so again you can add a question you can take it and then observe the behavioral settings and for each and every question and then the settings for this is different right once you are finished how it behaves as i said license make kya fill karna hai agar aap koi um, material aap le rahe ho, open educational resources yeah, copyright friendly option or if the content is copyrighted then you have to select copyright, and then if you have any source of your school site or anything, then you can provide. Or if you are using from Diksha portal the textbooks, and uh, depending upon the license they give, the entire portal the collection is CC BY license. If I am not wrong, please correct me, CIET staff. Otherwise, uh, the, for each and every content there, they provided a wonderful attribution CC BY. If I am not wrong, and CND, so that license version okay for the text for now I have taken from a openstax textbook biology textbook that is with CC by license that's why I have given that license what are these CC by and all Creative Commons open licenses I'm not sure whether you have that session about open educational resources and open licenses if you already have you will have that idea thank you so much any other yeah once you practice then only you will know otherwise there is no option okay okay feedback range make fill filtering um this feedback range differs for, again for each and every content type here we have take I have taken a four options so I I divide it into every 25 percent is one and that's how I have given my feedback. So if you are using a, multiple choice or a single choice question again sometimes it differs up you want to provide a feedback for every correct option you can provide a feedback for every wrong option you can provide a feedback which is a very uh, which is uh, which is regarded as a best practice of a quiz right when you create a multiple choice question ppt link many share kia hai Ah uh, PPT hai, course presentation developed with the uh, um, h five p course presentation, okay. Yeah. Any more Questions. And I think uh, whenever this tool is introduced um sometimes, we may tend to uh, introduce an interactive video or a quiz directly in an online session in such a short span of time, like one hour, it will be overwhelming for first timers. So, it we don't really advise to get into uh, such kind of uh, activities. We'll take very simple ones like drag the words. Okay. Yes, NCRT is. Uh, Commandable, yes, sir. Wonderful options and lessons, and they do live sessions. It's amazing content already available there. Its only thing is what I suggest is creating e-learning resource is not an easy task. Okay, for that it requires time and skill both. And thanks to technology these days, we can acquire the skills in jiffy. Um. या hmm. यूट्यूब yeah. में मिल जाएगा यस बट अनैक्टिस अनलेस वी अप्लाई वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज इट हाँ ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन सेफ यू रिमेंबर द कोविड टाइम्स आई टू सिक्सटी फाइव टीचर्स अराउंड वेरियस स्टूल्स एवरी डे एंड नाउ दे आर एक्सेलिंग okay so unless uh, that's what let me continue my sentence it's always challenging um what we need is time and skill and then will to do and you all know that excellent quote about when there is a will there is a way and i always uh, um, quote this alvin toffler's learn unlearn relearn we have to do that Sometimes we have to unlearn certain things and relearn. Yes, sir. Uh, in the presentation itself, all the links are available. Examples are also there. And uh, H5P itself has wonderful tutorials in the site itself. Yes, you have to practice. But uh, we have seen some fruits here. Some people already practice. Unless we do okay. mistakes, we don't okay. learn. We learn from our mistakes. Thank you. Thank you, Sushumna,